मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ब्लीच चेहरे पर किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं और ब्लीच हम सही तरीके से फेस पे कैसे कर सकते हैं। गाइस, ब्लीच एक केमिकल होता है जो हम अपने चेहरे पे यूज करते हैं, जो डेड लेयर्स को खत्म कर देता है और स्किन को एक्सफोलिएट करता है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ब्लीच एक अच्छे ब्रांड की यूज करें ताकि उससे आपकी स्किन बर्न ना हो, कोई नुकसान आपके चेहरे पे ना पड़े। और ऑलवेज रिमेम्बर दोस्तों कि जब भी हम ब्लीच यूज करते हैं तो उसका एक पैच टेस्ट जरूर लें, उसका एक ऐसा टेस्ट लें ताकि वो आपकी स्किन को बर्न ना करे, कोई भी उससे आपको एलर्जी ना हो। तो या तो आप अपने हाथ पे यहाँ पे लगाकर ब्लीच को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप किसी भी नई ब्लीच का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट ब्लीच का यूज करने जा रहे हैं, या फिर अपने कान के पीछे ब्लीच को लगाकर 10 मिनट तक रखें और फिर ट्राई करें कि इससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई इचिंग नहीं हो रही है एंड इट्स गुड फॉर यू, देन आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ब्लीच करने से पहले हमेशा अपने चेहरे को पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि ब्लीच का जो इफेक्ट है आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा आए और आपकी स्किन एकदम गोरी और क्लीन लगे। जिनका रंग काफी फेयर है तो वो, उनके लिए तो ब्लीच बेस्ट है, वो जो इसमें एक्टिवेटर होता है तो चुटकी भर ही यूज करें। लेकिन दोस्तों, जो लोग जिनका काला है या सांवला है, स्किन काफी डार्क है, वो एक्टिवेटर बहुत ही कम यूज करें, क्योंकि स्किन का जो कलर होता है उसके हिसाब से हमें एक्टिवेटर यूज करना चाहिए, जिससे हमारे बाल जो है, हमारे फेशियल हेयर है जो गोल्डन नजर आने लग जाए, राइट। तो हमेशा एक्टिवेटर दोस्तों कम ही यूज करें, ये आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है, इसलिए हमेशा एक्टिवेटर कम यूज करना चाहिए। और ये ब्लीच के बीच जो एक पेज होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है कि हमें क्या क्या चीजें और किस तरह से ब्लीच को यूज करना है और कितने मिनट तक रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लीच को 30 प्लस टाइम रखने से ब्लीच का जो इफेक्ट है चेहरे पे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल बनी बनाई बातें हैं जो हम सुन लेते हैं और उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ब्लीच में जो उस पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है ब्लीच के अंदर, आप उन्हें ही फॉलो कीजिए, जितने मिनट उन्होंने बताया है ब्लीच को उसी टाइम उतना ही टाइम यूज करें, राइट। और दोस्तों, जो यंग एज में यंगस्टर है और वो ब्लीच यूज कर रहे हैं तो वो 5 मिनट जो उस पे लिखा है उससे 5 मिनट कम ही ब्लीच अपने चेहरे पे लगाएं, क्योंकि उनकी स्किन काफी सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और वो जल्द से एक्सफोलिएट हो जाती है, उनकी जो डेड स्किन है जल्द से रिमूव हो जाती है। और जिनकी एज काफी ज्यादा है, 30 प्लस है, तो वो ब्लीच को उतना ही टाइम लगाएं जितना के उस इंस्ट्रक्शन पेज में लिखा हुआ है, आप उतना ही ब्लीच उतना ही टाइम अपने फेस पे अप्लाई करके रखिएगा। कुछ ब्लीच का जो टाइमिंग होता है 50 मिनट होता है, किसी का 20 होता है, किसी का 30 मिनट होता है, तो ब्लीच में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस ब्लीच बॉक्स में जो इंस्ट्रक्शन पेज है उसके पर जो इंस्ट्रक्शन दी है, आप उन्हें प्रॉपरली जरूर पढ़े और फॉलो कीजिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाहती हूं, अगर आपके फेस पे हैं बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारे एक्ने प्रोन स्किन है आपकी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप प्लीज ब्लीच को अवॉइड करें, ब्लीच यूज बिल्कुल मत करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है, ब्लीच आपको नुकसान दे सकती है। सो ब्लीच को अपने चेहरे पे बिल्कुल मत लगाएं। मेरे कुछ जो मैंने अपनी होम रेमेडीज बताई हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए, तो आप इसे यूज मत कीजिए, राइट। जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, वो ये है कि ब्लीच का जो एक्टिवेटर हम यूज कर रहे हैं उस एक्टिवेटर को आप प्लीज उतना ही उसमें लगाएं, चुटकी भर अच्छी तरह से उसमें अप्लाई करें ब्लीच के अंदर और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि वो जो उसके दाने होते हैं, अगर आप पाउडर बेस्ड जो उसका एक्टिवेटर है उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें उसके अंदर, ताकि जो उसके ब्रीक ब्रीक दाने होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो अच्छी तरह से उसके अंदर घुल जाए। और ब्लीच को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद, एक्टिवेटर को ब्लीच के अंदर ब्लेंड करने के बाद 5 मिनट तक उसे रख दीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी अपने चेहरे पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें, यूज करें, तभी आपके चेहरे पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर आप उसको, उसके जो दाने होते हैं उसे ऐसे ही अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करते, ऐसे ही चेहरे पे लगाते हैं, वो आपके चेहरे पे अच्छी तरह से स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करेगा, कहीं कहीं पे एक्सफोलिएट करेगा और प्रॉपर स्किन जो है आपकी पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स,
कुछ लोग ब्लीच को 15 दिन के बाद यूज करते हैं, कुछ लोग 1 महीने तक यूज करते हैं, यानी कि 1 मंथ तक उनको ब्लीच करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितने टाइम तक आपका ब्लीच आपके चेहरे पे रहता है, राइट? जो नेक्स्ट थिंग है दोस्तों वो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लीच करने के बाद उनके चेहरे पे इचिंग स्टार्ट हो गई है, तो डोंट वरी, इचिंग होती है। तो दोस्तों आप अपने चेहरे पे आइस क्यूब की मदद से, अच्छी तरह से चेहरे पे आइस क्यूब से मसाज कीजिए, उससे इचिंग की जो है प्रॉब्लम वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है दोस्तों कि कुछ लोग जिनकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है और वो ब्लीच करना चाहते हैं, तो ब्लीच करने से पहले कोई भी बेस क्रीम यूज करें, बेस क्रीम अपने चेहरे पे अप्लाई करें। बेस क्रीम जो है अगर आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं तो ब्लीच का जो कॉन्टेक्ट है वो आपकी स्किन के साथ अटैच नहीं होता, यानी कि स्किन आपके ब्लीच के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आती और उसका कोई भी साइड इफेक्ट जो आपकी ड्राई स्किन पे इफेक्ट करे, उसका जो गंदा प्रभाव या बुरा प्रभाव आपकी स्किन पे पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा। So, बेस क्रीम लगाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस क्रीम यूज जरूर करें अगर आपकी स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम ब्लीच को अच्छी तरह से फेस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से ब्लीच हमारे चेहरे पे अच्छा इफेक्ट दे सकती है और जिसका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो दोस्तों ब्लीच करने से पहले सभी बातों को ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, तभी जाके ब्लीच करें। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।